पहली बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कस्टमर की नहीं सुनी, मतलब मेरी नहीं सुनी, मतलब अपनी मनाते रहे कि हाँ ये ऐसा नहीं होता ऐसा होता है। तो ये वारंटी में कवर नहीं हुई, ये मुझे एक्स्ट्रा प्राइस पड़ा इसका। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो। तो बात कर लेते हैं इसकी ब्रीजा गाड़ी की, शोकर की। तो ये 41,000 चली है, लेकिन इसके शोकर वगैरह ना सब फेल हो चुके हैं अपने इंडियंस रोड के अकॉर्डिंग। इतनी जल्दी ये चेंज करने की नौबत आ गई, मुझे लगता नहीं था कि यार इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब। अपने तो फ्री ऑफ कॉस्ट डले हैं क्योंकि वारंटी थी 5 ईयर की। रियर जो राइट हैंड साइड वाला शोकर है वो मैं पहले चेंज करवा चुका था, लेकिन आज मैं इसके फ्रंट वाले दोनों शोकर चेंज करवा के आया हूँ। चलो ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, बट सीन हो गया वहाँ पे। एक तो उन्होंने लेफ्ट वाला शोकर चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं उन्होंने गाड़ी वगैरह लगा दी कि आप ले जा सकते हो, लेकिन उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार राइट हैंड साइड वाला भी प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, तो आप वो भी देख लो, चेक कर लो, वो भी मैंने चेंज करवाना है। क्योंकि ना इसके ऑफ रोड जब चलती थी ना गाड़ी तो आवाज़ आती थी इसकी। उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने फिर मुझे भेज दिया आप उस सीनियर के पास जाओ, आप उधर जाओ, आप इधर जाओ, ऐसे करते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा तिखी बहस हुई वहाँ पे। यार ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो अपनी मारे जा रहे थे, मतलब कि हाँ ठीक है हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम लग रही ये वो। आपको वीडियो में दिखाता हूँ मैं राइट हैंड साइड वाला कितना ज़्यादा, लेफ्ट हैंड साइड वाले से भी मतलब बदतर हालत थी उसकी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने चलो बात मान ली तो गाड़ी लग गई। तो ये सब बहसबाजी में ना कम से कम 20-25 मिनट्स वेस्ट हो गए। तो यार जब कस्टमर कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप एटलीस्ट चेक तो कर लो यार, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है आप चेक तो करो। ओपिनियंस देने लग जाते हो, ये वो ऐसा नहीं होता, ये होता है वो होता है, मतलब ये बात सबसे गलत लगी कि हाँ यार यंगस्टर हैं हमारी बात मान लेंगे, हम जो कहेंगे वो मान लेंगे, ऐसा थोड़ी चलता यार। तो चलो छोड़ो यार, एटलीस्ट अपना काम तो हो गया है ना। तो वहाँ पे मुझे ये काम करवाने के लिए 3.5 घंटे लग गए मेरे। तो अपनी जो वारंटी वगैरह थी ना, तो ये शोकर वगैरह तो उसमें कवर हो गए, तो इसीलिए वो टाल मटोल कर रहे थे थोड़ा सा कि हाँ ये चले जाएँ, मतलब वारंटी में चलो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करने पड़ रहे हैं हमें, तो ये चले जाएँ है ना। प्राइस की बात करते हैं तो ये 2500 कुछ का पड़ रहा है एक शोकर। तो गाड़ी का सिर्फ एक शोकर बचा है जो चेंज नहीं हुआ अभी तक। कंपनी वालों को ना ये चीज़ देखनी चाहिए कि अपनी इंडिया में रोड्स कैसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट्स बनाने चाहिए यार। 41,000 रुपये सारे शोकर काम करना बंद कर गए। तो बस आप ये सोच लो कि 5 साल के अंदर आपको सेविंग कर लेनी चाहिए इनके शोकर वगैरह चेंज करवाने के लिए। एक काम और कर सकते हो, आप भी वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हो, तो आपका 5 साल के लिए सिर दर्दी वगैरह ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, जो इसमें रबर्स वगैरह पड़ी है ना वो, तो ये वारंटी में कवर नहीं हुई, ये मुझे एक्स्ट्रा प्राइस पड़ा है इसका, 950 की दो पड़ गई हैं मुझे विद GST। बस वीडियो में इतना ही, अगर मुझे लगा कुछ और तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो यार दबा के शेयर कर दो आप भी।